नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ पांच मेहमान हैं। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, धर्मेश भाटिया हैं एमिरार्स एनबीडी से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से, और साथ ही आज हमारे साथ दो और मेहमान होंगे आईग्रेन से राहुल चौहान जुड़ेंगे, और साथ ही पंकज अरोड़ा हैं, प्रेसिडेंट है AIGJF यानी ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट है। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूँ कि जो शादी को लेकर जो डेटा आ रहे हैं कि 23 दिन में करीब 35 लाख शादियां होने वाली है, 23 नवंबर से ये शादियों की सीजन की शुरुआत हो रही है और 15 दिसंबर तक ये शादी का मुहूर्त है और इतनी शादियां हो रही है, तो क्या लग रहा है ज्वेलरी डिमांड क्या बम्पर रहने वाली, बम्पर बिक्री होगी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान? हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक्चुअल में दशहरा दिवाली नवरात्र हमारी सेल तो अभी से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, और जब ऐसा तेज होता है तो पब्लिक के अंदर एक भय होता है कि भाव और बढ़ जाएंगे। अभी से मार्केट में कस्टमर्स का जिनके यहाँ शादी ब्याह है वो मार्केट में आने लगे हैं, और बीच में गोल्ड बहुत सस्ता हो गया था उसकी वजह से भी उसकी डिमांड बढ़ गई थी, और इधर जब से गोल्ड में थोड़ी तेजी आई है और उसका फॉल तेज हुआ है, तो जो ये खबर आ रही है 4.25 लाख शादी वाली, निश्चित ही इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर रहेगा, और एक बड़ी उम्मीद हम कर रहे हैं कि अच्छी सेल हमें लोगों को मिलेगी। हमें अप्रॉक्स मानने चलते हैं 120 टन के आसपास गोल्ड की सेल होनी चाहिए, लगभग 75,000 करोड़ का बिजनेस ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ज्वेलर्स को मिलेगा। ओके, 120 टन सोने की बिक्री हो सकती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। सर, पिछले साल की तुलना में कितनी ज्यादा बिक्री इस बार उम्मीद आप लोग करके चल रहे हैं? सर, पिछले साल की तुलना में मान चले जैसे सीजन होता है, सपोज मान लीजिए कि 3 हफ्ते की सेल है, लेकिन हर साल अलग होती, हो सकता है कि कोई चीज 2 महीने में आ रही है, कोई चीज 3 महीने में आती है, तो क्योंकि गोल्ड का भाव लास्ट ईयर भी लगभग ऐसे ही था, तो विशेष चेंजेस नहीं आने वाले हैं, लगभग ऐसे ही रहने वाला है। ओके, शुक्रिया पंकज जी, और आपकी पूरी इंडस्ट्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरह की रिपोर्ट आ रही है और जो सपोर्टिव रिपोर्ट है, और जिस तरह से त्यौहार भी हैं, शादियों की डिमांड भी रहेगी, और आगे आने वाले फिर ईयर एंड पेन क्रिसमस के आसपास की डिमांड रहती है, फिर रमजान के आसपास की डिमांड रहती है, तो तमाम जो चीज़ें लाइंड अप है उससे फ़ायदा ज्वेलरी इंडस्ट्री को हाजिर मार्केट में ज़रूर होगा। लेकिन जो अभी मौजूदा माहौल है गोल्ड और सिल्वर को लेकर, किशोर सर क्या लग रहा है, जिस तरह से सेफ हेवन बाइंग हो रही है, क्रूड एक तरफ से उबल रहा है, दूसरी तरफ से सोना चांदी लगातार चला जा रहा है, 56,000 के आसपास आ गया था भाव, वहाँ से जबरदस्त तेजी, अच्छी रिकवरी दिख रही है, क्या लग रहा है कहाँ तक ये तेजी जा सकती है, या इसमें अभी वो प्रीमियम है जो कभी भी भाव नीचे ला सकता है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन, यहाँ पे जब से हमास और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, करीब करीब $100 के आसपास हम रैली देखा है क्रूड में, सॉरी गोल्ड में। मेरे हिसाब से इसमें अंटिल अनलेस कोई क्लैरिटी आ जाता है कि कैसे यहाँ पे शांति स्थापित हो सकता है या कैसे इसको डी एस्केलेट हो सकता है, कई नेता हैं इसका कोशिश कर रहे हैं, बट फिलहाल के लिए जो रिस्क है ये स्पिल ओवर हो सकता है, कहीं ना कहीं दूसरे देश जैसा ईरान इसके अंदर ड्रैग हो सकता है कि ये सेफ हेवन डिमांड को और सेफ हेवन प्रीमियम जो आप बोल रहे हैं कि उसको बरकरार रख रहे हैं। सो फिलहाल के लिए मैं इसमें शॉर्ट करना नहीं पसंद करूंगा दोनों गोल्ड सिल्वर में। हालांकि जो रैली हो गया तो थोड़ा बहुत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, बट फिर भी इसमें बाइंग करके ही चलना चाहिए। दिसंबर वायदा अगर गोल्ड देखे 59,400 के आसपास बेहतर लगता है बाइंग करने के लिए, टारगेट 59,800 के आसपास रख सकते हैं। जहां तक सिल्वर की सवाल है, आई थिंक 71,800 का जो लेवल है दिसंबर वायदा, अगेन वो अच्छा लेवल दिखता है। 72,600 के आसपास आप टारगेट रख सकते हैं। सिल्वर में स्टॉप लॉस आप 71,400 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं, एंड गोल्ड में 59,000 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर आपका। वंदना जी आप क्या सलाह देंगी, आपको लग रहा है कि यहाँ से तेजी और एक्सटेंड होगी, और क्या करना चाहिए इतनी तेजी के बाद, क्या करें, किस तरह से रणनीति बनाए? विश्वमोहन जी, दो तीन फिगर्स उस पर ध्यान रखना होगा। एक तो है कि चाहे हमास हो या इसराइल हो, बहुत एग्रेसिव इनका अटैक है। दूसरी चीज ये है कि अब डॉलर इंडेक्स लग रहा है कि एक बार 106 से नीचे आ सकता है, क्योंकि डेटा जो है एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि एक रेट हाइक को यहाँ पे रोक के रखा जाए।
और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे अपना जो करेंसी है उसको भी ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो अपसाइड ही रहेगा यहाँ पे 59,650 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी, 59,850 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 59,550 का। और एक चीज है कि चार्ट पे 60,000 के करीब काफी सारे हर्डल्स हैं, तो जब तक क्लोजिंग यहाँ पे 60,000 से अबव नहीं होती है तो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे कि अब यहाँ से क्या होगा 60,000 के ऊपर। तो काफी सारा रेजिस्टेंस है, देखते हैं उसको ये कमोडिटी फेस कर पाती है या नहीं। इंटरनेशनल में तो मुझे लग रहा है कि $1965 एक बार आ सकता है, सिल्वर में मुझे लग रहा है कि काफी स्टीप जो राइज है वो थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, तो 72,300 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। यहाँ पे टारगेट होगा 72,800 का, इनफैक्ट 73,000 भी यहाँ देख सकते माता हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 71,950 का। और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $23.75 तक एक बार आ सकता है सिल्वर। यहाँ से थोड़ी और तेजी वंदना जी को लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में, दोनों ही खरीदारी की सलाह यहाँ पर आ रही है। लेकिन जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करे, कि ऐसे मार्केट में काफी तेजी से बाजार नीचे भी आ जाता है, तो उतना रिस्क नहीं ले, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना करें। धर्मेश जी आपकी सलाह क्या होगी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर पर? देखिए मैं अभी भी इसमें काफी बुलिश हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो रैली है ये बरकरार रह सकती है। पिछले महीने की बात करें तो मार्केट में ऑलमोस्ट $100-125 डिस्काउंट में चला था, तभी शाद का भी महीना था। जैसे ही अगर आप देखिए जैसे ही मार्केट में टर्न अराउंड हुआ, नवरात्रि स्टार्ट हुई, आपको एक अच्छी खासी रैली देखने मिली है प्राइस में। बहरहाल जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज है, वॉर सिचुएशन है, उस कारणवश आपको भी मार्केट में थोड़ी सी सपोर्टिव रैली मिल रही है इंट्राडे। और अगर पोजिशनली देखें तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो तेजी है वो यहां से और एक्सटेंड हो सकती है। अगर आप सोने की बात करें तो सोना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 1900 के ऊपर टिका हुआ है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो तेजी है यहां से और $50-60 की जा सकती है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मैं 59,400 के स्टॉप लॉस से हमें मार्केट में निवेश करने की सलाह दूंगा। अपसाइड 60,000 के लेवल आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आने वाले समय में यानी नवंबर में ये तेजी और बरकरार रह सकती है और बढ़ भी सकती है, जिसमें 400-500 रुपए की रैली यानी 61,000 के भी ये लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं सोने में। रही चांदी की बात तो चांदी में मैं ज्यादा निवेश करने की रिकमेंडेशन दूंगा, क्योंकि चांदी काफी सुस्त ट्रेड कर रही थी काफी दिनों से और यहाँ से अच्छी खासी एक रैली देखने मिली है प्राइस में, और हफ्ते भर में 3,000 रुपए की रैली आपको प्राइस में आ चुकी है। ये जो रैली है ये एक्सटेंड हो सकती है, 72,000 से 73,000 तक के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। इनफैक्ट अगर पोजिशनली वेट करें तो इसकी जो रेंज है ये $25 to $22 है, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 75,000 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो इसमें ज्यादा निवेश करने की मेरी सलाह रहेगी, काउंटर काफी स्ट्रांग है और इसमें काफी अच्छी मोमेंटम भी आ चुकी है। ओके, तो आपको यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह। लेकिन कच्चे तेल को लेकर किशोर सर, जिस तरह से बाइडेन की आज विजिट भी अमेरिकी राष्ट्रपति की इजराइल में, लेकिन बाकी देशों की विजिट उनकी कैंसिल हो गई, इससे तनाव और बढ़ गया है, क्या लग रहा है क्या और दाम ऊपर जाने की संभावना आपको दिख रही है कच्चे तेल में? यहाँ से किस तरह से चीजें पैन आउट होंगी, आगे किस तरह से चलने वाली है? अगेन यहाँ पे फंडामेंटली तेजी नहीं है, यहाँ पे मार्केट इज क्वाइट मतलब कंफर्टेबली सप्लाइड है, बट जैसा आपने बताया कि यहाँ पे पूरा मिडल ईस्टर्न जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को लेकर ही, और कहीं ना कहीं ये स्पिल ओवर अगर होता है और कहीं ना कहीं ईरान अगर इसमें अंदर आ जाता है तो प्रॉब्ली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। बिकॉज अभी सप्लाई साइड में आप देखेंगे तो वेनेजुएला का जो सैंक्शंस हट रहे हैं तो करीब करीब 4,00,000 बैरल मेरे हिसाब से वहां से निकल के आना चाहिए, तो स्ट्रक्चरली तेजी नहीं है। बट जब तक ये हमास और इसराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जब तक जारी है थोड़ा बहुत इसमें नर्वसनेस रहेगा, तो बाय साइड ही रहना चाहिए फिलहाल के लिए। आज जो जो न्यूज बेसिस है, जो नया अटैक हुआ है, जो जो बड़े से धमाका हुआ है, तो उसके हिसाब से एक्चुअली यहाँ पे तेजी बरकरार रह सकता है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली 7,300 के आसपास मुझे बेहतर लगता है कि बाइंग करने के लिए। 7,250 का स्टॉप लॉस हो सकता है, 7,400-7,450 तक भी आपको अपसाइड हो सकता है। जहां तक ऑप्शन की सवाल है, आई थिंक 7,400 का जो कॉल ऑप्शन है विच इज अगेन नवंबर एक्सपायरी, 280 रुपए के आसपास अवेलेबल है। आई थिंक वो वहां पे आपको 300-350 रुपए के आसपास तक अपसाइड हो सकता है 7,400 का कॉल ऑप्शन। तेल को लेकर ये भी उनको लग रहा है कि अभी भी ये तेजी आगे बढ़ेगी, लेकिन एक अहम खबर आ रही है, वो खबर अपडेट आपको दे देते कि सरकार नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट करेगी। हालांकि सरकार ने जुलाई में नॉन बासमती व्हाइट राइस का एक्सपोर्ट बैन किया था, और नेपाल, कैमरून, मलेशिया, फिलीपींस में एक्सपोर्ट की सरकार की तैयारी है। आइवरी कोस्ट, गिनी को भी चावल एक्सपोर्ट सरकार करेगी, तो सरकार की तरफ से ये
नोटिफिकेशन आया है और ये खबर आपके पास। सरकार ने, आपको बता दें कि सरकार ने जुलाई में नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। तो व्हाइट को राइस को लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है। आपने पहले भी देखा था कि बासमती राइस के पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया गया था उसका भी विरोध हो रहा है कि मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, इससे पाकिस्तान को एज मिल रहा है और यहाँ से एक्सपोर्ट होने में दिक्कत हो रही है। और तमाम तरह के अलग अलग कैटेगरी पे सरकार कुछ पार्शियल बैन लगा रही है, कहीं कहीं पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है। तो लगातार सरकार का एक्शन है, लेकिन ये एक कॉरिडोर के तहत यहाँ पर इन देशों को एक्सपोर्ट सरकार करेगी। तो हमारे साथ राहुल चौहान भी शो में जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं आईग्रेन के। शुक्रिया राहुल जी, आप काफ़ी डेटा क्रंचिंग करते हैं, काफ़ी डेटा भेजते भी रहते हैं, इसलिए आज मैं आपको इन्वाइट किया हूँ। MSP में बढ़ोतरी होने वाली है आज 5-7% की, ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक भी चल रही है। कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, आपका अनुमान क्या कह रहा है? गेहूं की जो MSP है 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल की है। और अभी जो माहौल अगर आप देखें तो इस वक्त जो है देश में गेहूं की थोड़ी शॉर्टेज, जो स्टॉक है लास्ट ईयर से कमजोर है और पिछले उससे 2 साल पहले से लगभग कम से कम 228 लाख टन केंद्रीय पुल में कम है। तो ओवरऑल हमें अभी अगले सीजन में गेहूं की सख्त जरूरत है और सरकार भी भली भांति जानती है इस चीज को, और जिसके चलते भी कीमतों में भी तेजी आई। तो मौजूदा अगर आप स्थिति देखिए तो सरकार को कम से कम गेहूं की जो MSP है 85 रुपए से कम से कम 120 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ानी चाहिए। ओके, और सुन रहा हूँ मसूर की MSP भी में काफी बढ़ोतरी होगी, क्या लग रहा है वहां पर, कितनी बढ़ोतरी की संभावना है? मसूर की MSP जो है लास्ट ईयर 150 रुपए बढ़ाकर 5450 रुपए प्रति क्विंटल, सॉरी 6000 रुपए प्रति क्विंटल की थी इन्होंने। देखिए तो मसूर की 6000 थी MSP पिछली, MSP 6000 थी, अभी मसूर में देखिए मसूर का मौजूदा जो स्थिति कनाडा के साथ जो अभी चल रही है, अगर आगे चलकर कुछ कठिनाइयां होती हैं दोनों देशों के बीच में तो मसूर की MSP भी सरकार जो है उसी अनुपात में बढ़ा सकती है जिस अनुपात में लास्ट ईयर बढ़ाई थी। ओके, अब राहुल जी आपका, आपसे मेरा सवाल होगा, गेहूं के दाम इतने क्यों बढ़ गए हैं? 6 महीने में आप देखें तो करीब करीब 20-22% की तेजी आ चुकी है, क्या आगे और भी दाम बढ़ने वाले हैं क्या गेहूं के? देखिए सर, गेहूं के जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, गेहूं में क्या है कि जो हमारा स्टॉक है 1 अक्टूबर को केंद्रीय पूर्व में करीब 240 लाख टन था, 1 अक्टूबर 2022 को 227 के करीब, और अक्टूबर जो उससे पहले वाला जो अक्टूबर था उसमें करीब 468 लाख टन था। तो अगर 2 साल से अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में गेहूं का केंद्रीय पूल में स्टॉक 228 लाख टन घटा है और लास्ट ईयर से करीब 13 लाख टन कमजोर है। तो गेहूं का स्टॉक तो फिलहाल बफर नॉर्म्स जो है उससे अधिक है, परंतु ओवरऑल इतने सारे नियम लगाए जाने की पाबंदियां लगाई गई हैं, गेहूं पे स्टॉक लिमिट घटाया है, FCI भी गेहूं बेच रहा है। मेरा ये क्या इंपोर्ट ड्यूटी में कमी होगी क्या? 40% की इंपोर्ट जो ड्यूटी है उसमें कटौती की उम्मीद लग रही है क्या? मार्केट सेंस क्या कह रहे हैं? सर अभी आगे त्योहारी मांग बहुत निकलने वाली है और दूसरा जो है नई फसल आने में लंबा समय है, और मुझे लगता है कि अभी जो गेहूं का स्टॉक है स्टॉकिंग नॉर्म्स के ठीक अनुपात मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। अगर FCI और गेहूं की डिमांड निकलती है, FCI अपनी बिक्री जो बढ़ा देती है कोटा जो है, तो उससे जरूर मुझे लगता है कि पूल में जो है स्टॉक में थोड़ी बहुत तो चिंता का विषय बन सकता है। अभी एक्सपोर्ट के बारे में कहना कुछ मेरे लिए जल्दबाजी होगा, परंतु अगर ऐसा होता है तो एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट है सorry, वो खोल देना चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी ना हो। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, जो मौजूदा भाव है उसको देख के जो किसान है इस साल रिकॉर्ड जो है एरिया जो है रिकॉर्ड बिजाई पहुंचने वाला है। बिल्कुल, रिकॉर्ड बुआई तो हो सकती है, लेकिन जिस तरह के मौसम में बदलाव होते हैं, तापमान अचानक से जनवरी लास्ट से ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उससे यील्ड की चिंता हो जाती है। बुआई तो हो रही है अच्छी, लेकिन उत्पादन यील्ड को लेकर चिंता होती है और उसका असर है कि आज ये महंगाई बढ़ गई है और 20-22% की तेजी 6 महीने में आ चुकी है, गेहूं के दाम 8 महीने की ऊंचाई पर है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला। जाते जाते वंदना जी आपसे ग्वार सीड पर एक राय लेंगे, क्या आज के लिए क्या करना चाहिए ग्वार सीड में? मुझे लग रहा है अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए, तो 57.50 पे बाइंग की सलाह रहेगी, 58.25 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 57.15 का। प्रिया वंदना जी आपका, किशोर सर आपका और धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला।